सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं यह है रेड लाइन जा रही है और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का, जो गाजियाबाद में स्टेशन बनाया जा रहा है उस पर क्या वर्क चल रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। तो देख सकते हैं, अभी आपको बता दूँ जो टीन शेड बनाया जाएगा स्टेशन के ऊपर उस पर ये खंबे लगाए जा रहे हैं टिन साइड के। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये इस साइड में लगा दिए गए हैं जिस साइड में आप लोग देख रहे हो। ये देख सकते हैं, ये अभी खंबे लगाने का काम चल रहा है जो टिन साइड ऊपर बनाया जाएगा और इस पर थर्ड फ्लोर की जो फ्लोरिंग का काम है वो चल रहा है। गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है, यहाँ पर वही काम चल रहा है और इसकी ये रेड लाइन को जोड़ेगा, एक दूसरे स्टेशन तक जोड़ा जाएगा, तो उसका ये वर्क चल रहा है। ये जो क्रेन मशीन लगी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको स्टैंड करने का काम चल रहा है, मतलब कि एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट दोनों बनाए जा रहे हैं, तो उसका भी वर्क चल रहा है। यहाँ पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये फ्लोर किया जा रहा है, यहाँ पर ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है ऊपर। तो इस साइड में जो तीन साइड के खंभे हैं वो तो लगा दिए चुके हैं, अभी बीच बीच में कुछ खंभे बचे हैं, फिर इसके बाद में उस साइड में भी अभी खंभे लगने हैं तीन साइड के, और इस साइड तो लग ही चुके हैं आधे, मतलब कंप्लीट सा ही हो गया इधर की साइड में। अब आगे की साइड में देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ क्या क्या वर्क चल रहा है। और इसमें अभी स्टेयर्स बनाए जा रहे हैं, एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं इस गाजियाबाद के स्टेशन पर दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग अपनी आँखों से, ये तस्वीरें हैं यहाँ गाजियाबाद स्टेशन की जो बनाया जा रहा है। RRTS का स्टेशन बहुत ही सुंदर स्टेशन यहाँ बनाया जाना है, तो उसी का आप लोगों को मैं वर्क दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये देखो यहाँ पर ये हम चलेंगे आगे और आपको बता दूँ, देख सकते हैं ये एक तो रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, दूसरी फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है, इसलिए इसकी यहाँ हाइट कुछ ज़्यादा हाइट है इसकी देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे अगर आपको बैठने के लिए मिलेगा रैपिड रेल के अंदर गाइस। तो अभी इसके देखो तीन फ्लोर नीचे हैं, सबसे लास्ट वाला फ्लोर ऊपर है, तो यानी कि ग्राउंड फ्लोर से लगा लो आप कम से कम पांच फ्लोर बैठेंगे। तो अब हम आ गए दूसरी साइड में और दूसरी साइड में देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या वर्क चल रहा है दूसरी साइड में, वो भी आप लोगों को देखो कि इस पर आपको बता दूं कि जो गाटर लॉन्चिंग के ये स्टील के गाटर हैं इन पर बिल्कुल फ्लोर क्लियर कर लिया गया है और इस पर आपको बता दूं स्लैब भी डाल दिए गए हैं, इस पर पटरियां भी बिछा दी गई हैं ऊपर। तो देख सकते हैं ये सेटरिंग लगी हुई है और ये थर्ड फ्लोर को इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है। देख सकते हैं थर्ड फ्लोर पे ये गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, सेटरिंग लगी हुई है, फिर इसी तरीके से फिर सेकंड फ्लोर बनाया जाएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये देखिए ये गाटरों के एक दूसरे से जोड़ने की अभी तैयारी चल रही है, फिर इस पर ये जुड़ जाने के बाद में गाटर लॉन्चिंग की जाएगी इस पर, और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर जो टीन साइड के खंबे हैं वो लगाए जाएंगे। तो अभी इस साइड में खंबे नहीं लगाए गए हैं, वो कुछ दिन बाद ये लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दूसरी साइड का ये नज़ारा है और ये जा रहा है सीधा मेरठ के लिए, ये रास्ता ये यहाँ से सीधा मेरठ के लिए निकल जाएंगे। तो अभी गुलडहर का भी है, तो गुलडहर का फिर किसी दिन आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, आज तो आप लोग गाजियाबाद का ही देख लो। मैंने चारों तरफ से आप लोगों को दिखाया स्टेशन के, गाजियाबाद के स्टेशन पर कितना कुछ काम हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है इस पर, तो वो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। देख सकते हैं ये गाटर लॉन्चिंग की जा चुकी है थर्ड फ्लोर की और इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। तो पहले इन्हें जोड़ा जाएगा और फिर इसे कंक्रीटिंग की मदद से ये भर दिया जाएगा। तो इधर भी अभी देखो गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है, ये गाटर लॉन्चिंग हो गई है, इनको जोड़ने का काम चल रहा है गाटरों के एक दूसरे से, जोड़ने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा
और ऐसे ही वीडियोस के पिसंत आप लोगों के बीच में लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड में ही फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, देख सकते हैं इस साइड से देख सकते हैं स्टेशन को। मैंने चारों तरफ से आप लोगों को घुमा के दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ कितना वर्क चल रहा है, अभी किस चीज़ का वर्क चल रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सन 2023 के मार्च में यहाँ पर ये रैपिड रेल दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी। 17 किलोमीटर के पार्ट्स पे इस पर रैपिड रेल चलने लग जाएगी। तो आपको बता दूँ साहिबाबाद से लेकर दोहाई डिपो के बीच में ये 17 किलोमीटर के पार्ट्स में चलाई जाएगी पहली बार रैपिड रेल। दोस्तों देख सकते हैं ये नज़ारा है। तो अभी आपको बता दूँ सेकेंड ये थर्ड फ्लोर की गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा और इस पर टीन सेट के ये खंभे लगाए जा रहे हैं और खंभे लग जाएंगे टीन सेट के, फिर इस पर ऊपर का काम चलेगा। तो बस यही नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, पूरा ही नज़ारा यहाँ का मैंने आप लोगों को दिखाया है इस गाज़ियाबाद स्टेशन का, दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है। और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, मेड इन इंडिया लेस ये रैपिड रेल होने वाली है दोस्तों। और जो यहाँ से जो इस पर रैपिड रेल चलेगी वो हमारे गुजरात के शामली से लाई गई है, वहीं पर वर्क चल रहा है इस चीज़ का, देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।